गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम रोहन एंड आपका स्वागत है आपका चैनल कोलकाता बाइकर्स में। चलिए आपको आज कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं पल्सर 220 का। ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटा छोटा कोई इशू बन रहा है। तो देखिए, ये चाबी लगा दिया और इग्निशन ऑन कर दिया। ये जो मीटर है, एनालॉग पार्ट और डिजिटल पार्ट, यहाँ पर आपको द इंडिकेटिंग न्यूट्रल हाई बीम और बैटरी का लोगो दिख रहा है। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, जो मिसिंग है यहाँ पर जो डेट और टाइम दे सकते थे बजाज वालों ने। पल्सर 220 इज ए मोस्ट पॉपुलर बाइक इन आवर इंडिया, तो ऐसे दे ही सकते थे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होते। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो डबल स्टैंड जो कहते हैं और फुल स्टैंड जो कहते हैं हम लोग उसको, इतना ग्राउंड क्लियरेंस कम होते हैं जब आप अबाव 40 के ऊपर जाओगे। और दूसरे कोई टू पिलन बैठ कर जाएगा तो वहाँ पर कोई गड्ढा और बम्पर आएगा ना, उसके टाइम आपको दिक्कत होगी ये साइड स्टैंड में घिसट लड़के। तो यही दो चीज़ मेरे को पल्सर 220 से बहुत खराब लगा है। और इसका जो बैक पैनल का जो क्वालिटी है, बैक पैनल और साइड पैनल का जो क्वालिटी है, दोनों ये टोटली फाइबर मेडेड है, तो दोनों का क्वालिटी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज बहुत चीप क्वालिटी है, तो कोई गड्ढे में पड़ जाए तो गाड़ी उसके बहुत आवाज़ आ जाती है। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए ऐसे कुछ फीचर्स देने के लिए पल्सर को, और पल्सर नहीं बजाज वालों को, जो 220 में यहाँ पर डेट और टाइम नहीं आते हैं। तो प्लीज़, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए माय वीडियोस। आपको एक टोटल ओवरव्यू दिखा देती हूँ।